में बहुत दिक्कत होती है, जो फसल होता है वो सब नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मगरमच्छ पालन और कछुआ पालन ऐसे इसको पर्यटक स्थल के रूप में अगर विस्तृत कर दिया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों का काफ़ी विकास भी होगा और यह बढ़िया भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नितेश मिश्रा, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। आज हम खड़े हैं महाराजगंज जनपद के इस धानी ब्लॉक में, जहां एक परगापुर ताल है, काफ़ी प्राचीन है। पूरा ताल 68 एकड़ में फैला हुआ है। इस ताल की सुंदरीकरण करने के लिए, इस ताल को और अच्छा व्यवस्था करने के लिए इस महाराजगंज जनपद की प्रशासन ने, वन विभाग की टीम ने शासन को पत्र देकर इस पे कार्रवाई करके इस पूरे ताल को और बेहतरीन करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बजट के अभाव में इस ताल की दशा ज्यों की त्यों रह गई। हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं, मनोज जी खड़े हैं। हम इनसे जानते हैं कि अगर परगापुर ताल किस दशा में कर दिया जाए, परगापुर ताल को कैसे व्यवस्थित कर दिया जाए जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और परगापुर ताल का लुक भी अच्छा होगा। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। परगापुर ताल के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि परगापुर ताल को किस तरह से सुदृढ़ कर दिया जाए जिससे यहाँ रोज़गार के अवसर मिले, लोगों का व्यवस्था और अच्छा हो पाए? देखिए, परगापुर ताल लगभग 69 हेक्टेयर में फैला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ मगरमच्छ पालन और कछुआ पालन ऐसे इसको पर्यटक स्थल के रूप में अगर विस्तृत कर दिया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों का काफ़ी विकास भी होगा और यह बढ़िया भी हो जाएगा। ये आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करते हैं, आप यहाँ की जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, इसके पहले कभी आपने कोई ऐसा प्रयास किया कि जिससे इस ताल का सुंदरीकरण हो जाए या कोई आपने प्रस्ताव भेजा? नहीं, हम तो प्रस्ताव ऐसा नहीं भेजे हैं, लेकिन काफ़ी प्रयास किया गया था और किया भी जा रहा है और होगा भी। ये अभी ये जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव तो गया था, लेकिन चूंकि बजट का अभाव था जिसके नाते परगापुर ताल का विकास नहीं हो पाया, विकसित नहीं कर पाया गया, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के पास बजट लाने के लिए या इस कार्य को कराने के लिए आपकी पैरवी होगी, नेताओं से पैरवी होगी, आपकी आपका शासन है, आपका सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, बजट हर हाल में होगा भी और यहाँ बनेगा भी, पर्यटक स्थल बनेगा। हमारे साथ बात करने के लिए लोकल के हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि परगापुर ताल के चूंकि काफ़ी करीब रहते हैं, क्या कर दिया जाए कि जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार का अवसर मिलेगा? परगापुर ताल का सुंदरीकरण करा दिया जाता तो यहाँ पर्यटक बन जाता तो लोगों को रोजगार मिलने की चांस भी रहते। अच्छा, ये परगापुर ताल जो है 68 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ये काफ़ी बाढ़ प्रभावित एरिया भी है, बाढ़ भी आता है, कैसे आप लोगों का रहन सहन रहता, जीविका कैसे चलती है? बाढ़ के समय बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, जो फसल होता है वो सब नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, जिस तरह से हम लोगों का फसल नष्ट हो जाता है और पर्यटक स्थल बन जाते हैं, बाढ़ के समय में कुछ पर्यटक रोजगार के मतलब व्यवस्थाएँ हो जाती है, लोगों का जो फसल नुकसान हो जाता है तो रोजगार के एक उत्पन्न हो जाते, अवसर प्राप्त होते, उससे जीविका चलता सब लोगों का। ये हमारे साथ यहाँ लोकल के लोग भी थे, इन्होंने भी बहुत बेबाकी से अपनी बात कहा कि अगर इस परगापुर ताल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते इन लोगों का फसल भी सुचारू रूप से हो नहीं पाता है, लेकिन अगर इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। नितेश मिश्रा, उत्कर्ष पत्रिका, महाराजगंज।